सैमसंग की नोट और एस सीरीज को अगर आपने यूज किया हो तो आपको पता होगा कि इसको हाथ में फील करने का, इसको यूज करने का, इसके वन यूआई का मतलब एक अलग सा ही मजा है, एक सेटिस्फेक्शन सा मिल जाता है। इस साल हमको जो फरवरी 2020 में देखने को मिली थी सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज, वो अपने आप में काफी कमाल की थी। मतलब सैमसंग ने सब कुछ ट्राई किया था कि मार्केट में जो जो बड़े बड़े नंबर अवेलेबल थे ना, सब कुछ उस फोन में फिट करने की कोशिश की थी। जैसे हमको उसमें एक्सिनोस 990 देखने को मिला था, जो एक 5G चिपसेट है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग थी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा था, उसके बाद 6.9 इंचेस की बड़ी सी एक क्वाड HD प्लस डिस्प्ले और उसके साथ 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, मतलब 48 मेगापिक्सल का उसके साथ टेलीफोटो लेंस। इतना सब कुछ एक फोन में पैक करना इज इम्पॉसिबल, लेकिन सैमसंग ने ये बिल्कुल कर दिखाया था और वो बिल्कुल कमाल का फोन था। हालांकि उसके साथ कुछ इश्यूज थे जो हमको सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप के साथ इस बार नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब S21 लाइनअप अपने साथ बहुत कुछ खास लेके आने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डेडिकेटली इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने थोड़ा सा गौर करके देखा हो तो जो हुआवे की P सीरीज है ना, उसके जैसी ही होती है सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज। तो मतलब इनको आप बड़े स्तर पे एक रियलमी और रेडमी बोल सकते हो, जो टेक्नोलॉजीज को आपस में देखती हैं और उसके बाद जो अच्छा अच्छा होता है ना वो अपने फोन में लेके आ जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप में हमें क्या कुछ खास इनोवेशन देखने को मिलेंगे, क्या होगी लॉन्च डेट, क्या हो सकती है प्राइस, क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लाइक्स का टारगेट है वो है 1000 का, उसके बाद मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप के बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की, तो इस बार रूमर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि हमको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, और ये मिल भी सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल अभी नई नहीं रही है, मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है और 2021 में हमको बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जिसमें हमको अंडर डिस्प्ले कैमरा की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बेसिकली एक हाफ इंच का सेंसर होता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा, तो इसकी क्वालिटी भी अपने आप में काफी कमाल की होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी क्योंकि स्टार्टिंग रेंज पे है तो कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी प्राइस हमको ज्यादा पे करनी पड़ेगी इसके लिए। इसी के साथ वही क्वाड कैमरा का सेटअप हमको बैक में देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलने वाली हैं, ग्लास बैक और ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि जैसे हमको सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के साथ इस बार देखने को मिला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 वर्ल्ड्स फर्स्ट, वही हमको सेम देखने को मिल जाए सैमसंग गैलेक्सी S21 के साथ। और अब मैं बात करूं आपसे डिस्प्ले की, तो सैमसंग के डिस्प्ले हम सब जानते हैं, जिन्होंने सैमसंग के एक फ्लैगशिप फोन को यूज किया है वो पता होगा उनको कि सैमसंग के डिस्प्ले अपने आप में कितने कमाल के कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे हमको S21 के साथ देखने को मिलने वाला है कर्व्ड डिस्प्ले, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन OLED कर्व्ड डिस्प्ले होगा जिसमें हमको ये लेफ्ट राइट से कर्व्ड नहीं देखने को मिलेगा बल्कि ऊपर और नीचे से भी कर्व्ड होगा, मतलब चारों तरफ से। हालांकि जो ऊपर और नीचे से होगा उसमें हमको डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, ग्लास देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे हमको Huawei P40 Pro देखने को मिला था, और ये लुक वाइज काफी आउटस्टैंडिंग लगता है। इसी के साथ अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, और ये भी बिल्कुल थोड़ा इंप्रूव्ड देखने को मिलने वाला है। अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा तो ये भी अपने आप में काफी कमाल की चीज है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन, तो अपने आप में ये जो बिल्ड, लुक एंड डिजाइन को लेके आता है, उसी के साथ डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो अपने आप में काफी कमाल की होगी। क्वाड HD प्लस डिस्प्ले होगा और उसी के साथ 120 हर्ट्ज की अडैप्टिव हाई रिफ्रेश रेट का हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहाँ पे इस बार काफी कमाल काम किया है सैमसंग ने। जहां पे हमको ऑलवेज ये शिकायत रहती थी कि जो एक्सिनोस के प्रोसेसर होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से, तो इसमें हमको देखने को मिलने वाला है एक्सिनोस का 1000 प्रोसेसर। और इसी S21 लाइनअप को हम अगर अदर कंट्रीज में लेते हैं तो इसमें हमको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875। दोनों ही प्रोसेसर 5nm की फेब्रिकेशन प्रोसेस में बने हुए हैं, मतलब बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी, आउटस्टैंडिंग बैटरी एफिशिएंसी होगी। और इस बार ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा उससे ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है। 2.91 GHz क्लॉक्ड है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है, एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है, और इंडिया में मतलब ये एक्सिनोस 1000 के साथ ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये अपने आप में काफी कमाल के पावर को समेटे हुए होगा, और ऑलमोस्ट हमको अंतुतु बेंचमार्क 600,000 देखने को मिल जाएंगे, जो अपने आप में काफी ज्यादा कमाल के पावर को लेके आएगा। और इसी के साथ हमको वन UI 3.0 और
एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और इसमें 5G कैपेबिलिटी तो होगी, इसी के साथ सब 6 और मिलीमीटर वेव 5G दोनों टाइप के जैसे हमको S20 में देखने को मिला था वैसे ही सेम 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है। और उसके बाद मैं बात करूं आपसे कैमरा की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग ने S20 लाइनअप के साथ बिल्कुल कमाल कर दिया था और यहां पे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे रूमर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस साल के लास्ट तक मतलब 2020 के लास्ट तक सैमसंग अपने 150 मेगापिक्सल के सेंसर को इंट्रोड्यूस करने वाला है और वही देखने को मिलेगा हमको S21 लाइनअप में। तो एक कमाल हो जाएगा अगर हमको 150 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है प्राइमरी सेंसर के रूप में, तो ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हमको कैप्चर करके देगा फोटोज और वीडियोज। और इसी के साथ जो दूसरा कैमरा हमको टेलीफोटो लेंस देखने को मिला था S20 लाइनअप में 48 मेगापिक्सल का, इस बार रूमर्स ऐसे हैं कि सैमसंग अपने आइसोसेल TOF कैमरा को इसके साथ रिप्लेस करने वाला है और जो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी को लेके आएगा, मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह होते हैं या फिर हमको 3D में कुछ करना होता है तो उसके लिए काफी कमाल की चीज बन जाएगी। तो बेसिकली हमको इस बार टेलीफोटो लेंस ना देख के यही देखने को मिलने वाला है आइसोसेल TOF कैमरा। इसी के साथ जो तीसरा कैमरा होगा वो हमको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलने वाला है, उसके बाद चौथा कैमरा होगा वो हमको देखने को मिलेगा 10 मेगापिक्सल का जो 5x के ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा और यही सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की तरह हमको देखने को मिलने वाला है इसमें 50x तक जूम, इस बार वो 100x वाला स्पेस जूम इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और सेल्फी में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रूमर्स हैं कि हमको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है वो भी 48 मेगापिक्सल का, तो क्वालिटी तो हमको देखनी पड़ेगी कि ऊपर से एक बार स्क्रीन आ रही है तो कैसी क्वालिटी हमको देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अगर अंडर डिस्प्ले कैमरा आ गया तो बिल्कुल कमाल हो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S21 के साथ। और अब मैं बात करूं बैटरी और चार्जिंग की, तो यहां भी एकदम सॉलिड रूमर्स हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में हमको 4800 की बैटरी हमको देखने को मिलेगी और ये आएगी अपने 65 वोल्ट की चार्जिंग के साथ जो बिल्कुल कमाल होने वाला है। वहीं जो सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 प्लस होंगे उसमें हमको 5000 की ऑलमोस्ट बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन 65 वोल्ट की चार्जिंग इस बार बिल्कुल कमाल कर देगी सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप के साथ। और अब मैं आपसे बात करूं इसके लॉन्च की, तो बेसिकली जो S सीरीज है सैमसंग की वो हमको फरवरी के महीने में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हमको मार्च स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। हो सकता है इसका लॉन्च हमको 5th ऑफ मार्च को देखने को मिले या फिर 11th ऑफ मार्च को देखने को मिले, लेकिन स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा मार्च में। तो मार्च में बेसिकली हमको सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा देखने को मिलने वाले हैं। और मैं बात करूं यहां पे प्राइसिंग की, तो जो S21 अल्ट्रा होगा वो हमें ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलने वाला है। यहां पे अगर इनोवेशन की बात की जाए तो अंडर डिस्प्ले कैमरा अपने आप में काफी कमाल का इनोवेशन होगा और दूसरा जो 150 मेगापिक्सल का कैमरा अगर इसमें आ जाता है तो ये भी अपने आप में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होगा और चार्जिंग तो 65 वोल्ट की अपने आप में कमाल है ही है। तो बस यही है कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप कौन से के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं नीचे लिख के बताना कि भाई मेरा बजट तो S21 तक खत्म हो जाता है या फिर S21 अल्ट्रा तक जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो आपको डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और उसके साथ सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को करना है प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।